लेनू जी तुसें कमिंदो जी सारे आज के मुख प्रोने कमिंदर हुंदे बारे च मैं आखना कि नवी डोगरी संस्था पासे पूरा इंदा ध्यान रौंदा पूरा साडा साथ दवांदे ने जदों अस बुलांदे आ मैडम निधि शर्मा रही सम्मानित किया जा कर श्री अनिल गुप्ता जी मैं बड़े आदमी कहने कविंदर होने की प्रार्थना करना के आन ते अपने दो शब्द जगह आज हम सब स्वर्गीय सचिन दत्त राम सुबह गुप्ता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए उनके परिवार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित सीनियर एडवोकेट फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट एडवोकेट जनरल यूके जलाली जी श्रीमती निधि शर्मा जी सेशन जज रिटायर्ड हरमंस लाल जी श्रीमान अजय गुप्ता जी हरीश कैला जी कैप्टन ललित जी यश जी यहाँ पर दिव्या जी ने अभी उनके बारे में सभी को हमने तो जानकारी दी है। हम किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़े हैं उसी कारण से यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। समाज में ही नहीं पूरे कानूनी क्षेत्र में जो उन्होंने अपना एक योगदान दिया है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर 1947 में जब पार्टीशन का समय था बहुत ही ऐसा मौका था जब कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। उस हालात में अपने लोगों को किस प्रकार से उनकी चिंता करना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उनके परिवार ने भी उस प्रथा को बाखूबी निभाया है। श्रीमान अजय गुप्ता जी को रेणु जी को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने अपने प्रशासनिक सर्विस में जिस प्रकार से अपना योगदान दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे माइलस्टोन बना करके जाते हैं कि जो हमेशा के लिए हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं कि रामस्वरूप जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। कुछ जो उनकी किए हुए काम है वो हमेशा से जिस प्रकार से दिव्या जी ने बताया है तो प्रेरणा देने की जरूरत है और खास करके जब बुजुर्गों को याद किया जाता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते किसी के मकान की ऊंचाई से या किसी दूसरी चीज से नहीं पता चलता, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत की जाती है उनके चेहरे हंसते हुए नजर आते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रहती है। मैं एक बार फिर से उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके नाम हमेशा से हमारे दिलों में रहेगा, हमारे परिवार जो समाज में रहेगा। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ उनके परिवार को, विशेष करके डोगरी संस्था को जो इस प्रकार के आयोजनों में कार्यक्रमों में मुझे यहाँ पर बुलाती है। बहुत बहुत President, he said, but in his unwavering commitment to justice, despite societal pressures, an exemplary illustration of this commitment was his handling of pivotal murder case involved a DCP.
Despite formidable pressure from various quarters, including the Sikh community, he rendered a death sentence to a triple murder case, unscoring his integrity, honesty, dedication to the esteemed profession of judiciary. The year 1971 marked the culmination of Sri Ram Swarup Gupta's formal judicial career. However, retirement did not usher in a period of repose. Rather, it marked a transition into a phase of continued public service. Post-retirement, he assumed the role of Member Secretary of MISA Board, a position presided over by then Chief Justice Sri Murtaza Fazal Ali. In the realm of arbitration, Sri Gupta contributed numerous proceedings, including a notable case involving a khadi boot. In this arbitration, the then advocate और इन्हीं पोस्ट में इन्ना विषय पर जिस वेले ओ लोग है ये बड़े थोड़े जे लोग है जिनके ऊपर पूरे जम्मू दा या जम्मू जे एंड के दा रादर पार था इन्हें लोगें जम्मू की एक शेप दिती एक अपने इन्हें इसे अपने मॉरल्स ऊपर इन्हें अपनी यंग जनरेशन की इंस्पायर किया और खुले मन करने सच्चे मन करने गाइडेंस देती जिदे करने के आज से तुरंत पूछे हैं मैं ये याद करा दी ही कि ये वो जमाना हाँ जिस वेले जम्मू च हर इंसान दुए इंसान ही जानता हा कोई ऐसा नहीं हा कि जिसी एक दुए दी मदद करने कोला कोई प्रेम था कोई कंपटीशन नहीं हा बल्कि प्यार हा अज अस नवी पीढ़ी आले पासे जाने आ नवीं चीजा दिखाने आ मगर मैं समझ नहीं आ कि ए लोग असें की जो प्रेरणा देये दे वो असें की अपनी सूत्रधार रखनी चाहिए है और उससे ऊपर चलना चाहिए ये जे लोग के अपना जीवन दिए ते असे साडे आस्ते संस्कार दिए गए मैं रेनू की बेटियां ते सारे दिया कर दिया दिव्या जिन्हें अपने नाना जी की दिखे दा भी नहीं उन्हें इन्ना अच्छा बोले उनके बारे च इसका मतलब है कि इस घर च उंदियां गल्लां होंदियां और उन्हें की जीवित रखा गया मैं अजय जी की जड़े के एक दामाद होइए अज साडे विच बैठे दे और अज अपने फादर इन लॉ की श्रद्धांजलि दिया दे और पूरा रेनू कन्ने कंधे कन्ने कंधा मिलाइए चला दे इस दे कोला ज्यादा संस्कारी फैमिली के लिए इसे दिया और उन्दे ए एक जीवन दी कमाई है कि जड़े वो अपने बच्चे ही इन्ने अच्छे तरीके कन्ने बच्चे भी ता याद कर दे अगर उन्दा चाइल्डहुड बड़ा सिक्योर होता है अगर उन तुसेंगी तुस कुसा की मिस कर दे हो जिंदगी च इंदा भी अपना एक ऐसा रिश्ता होंदा है कि इन्ने बिजी शेड्यूल च अपने बच्चे की ठीक तरह अपने वैल्यूज देना और अब उन्हें की इन्ने अच्छे तरीके करने पालना मैं अपनी बड़ी बड़ी गल है और मैं इस परिवार की इसके मुबारकबाद दिनी हूं कि इस परिवार उन्हें उनके बच्चे जिन्हें जिंदगी च इन्ना ना कमाया बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे और एक अच्छे दिल के इंसान थे ये ना जानते हुए भी जिस वक्त मैंने सर्विस ज्वाइन की उन्होंने एक फैमिली मेंबर की तरह मुझे घर पर बुलाया वहां से नगर और मुझे समझाया कि ये कैसे सर्विस करनी है किस तरह इस कल्चर हमारा क्या है किस तरह किससे बिहेव करना है और क्योंकि मेरी एक डिस्टेंस एरिया में पोस्टिंग हुई थी तो हाँ उन्होंने कहा कि आपको लीगल फैसिलिटीज भी मेरे में नहीं होंगी तो इस तरह मतलब किस ढंग से आपने ये सारा ये काम करना है आपको जिस वक्त भी मुझे कोई भी मुश्किल आई मैं हमेशा जब भी मैं उनके पास जाता रहा उन्होंने बड़ी हमदर्दी से मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हाल की मुझे याद है कि मैं माहौर में पोस्टिंग हुई पहली मैंने एक ही दिन वहाँ ज्वाइन किया तो वो काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन थी वहाँ तो मैं वापस आया हाई कोर्ट गया
श्रीनगर, तो मैंने वहां जाके इनसे कहा था जी ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसी वक्त वो मुझे चीफ जस्टिस के पास ले गए, अली साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जाके बताया कि ये सर्विस कंडीशन वहाँ पर, यहाँ वहाँ हमारे मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं है बीमा रह सके। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मतलब वहाँ से स्टेशन हेडक्वार्टर चेंज कर दिया, वहाँ से वो दूर पर ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ से हेडक्वार्टर पर। वो ये मतलब इनसे पता चलता है कि वो कितने मैच्योर और हम तक लोग थे उस वक्त के, और कितने उसमें बातों की ये सब। सारे को पहले तो मैं थैंक्स करांगी साढ़े श्री कविंदर गुप्ता जी, ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी। और आपने डिप्टी एम भी रहे और जलाली साहब आपने कीमती वक्त तो आए अपने पैन कार्ड के, जज साहब भक्तलाल जी इन्होंने अपना कीमती वक्त कर दिया। और क्या है निधि तो मेरी फ्रेंड है, तो मैं अपना राइट समझ नहीं आ कि अगर उसमें मैं बुलाया तो आई है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम और कुत्ता साहब नेचुरली ही कोऑपरेटेड विद मी। नवी डोगरी संस्था का भी थैंक्स कर रही हूं मैं बड़ा बड़ा, और जो मेरे गेस्ट आए थे उन्होंने का भी बहुत थैंक्स कर रही हूं कि उन्होंने मेरे नाल कंधा नाल कंधा मिला के मेरा ये टाइम अच्छा गुजर कढ़ाया। मैं फादर साहब के बारे से बोलांगी कि मीरपुर दे सन है और उस वेले इन्नी उन्हां कोल फैसिलिटीज नहीं सन उत्थे, फिर भी वो लोग पढ़े मीरपुर के लोग जेरे सन उन्होंने पढ़ने का काफ़ी शौक से उत्थे दसवीं तक ही सी पढ़ाई, उस तो बाद वो फिर लाहौर चले गए, उन्होंने बीए भी उत्थे कीता और फिर एलएलबी भी उत्थे कीती। उन्होंने मेजर एसन रिसोर्सिस बड़े बिगर सन पर अपने कैलिबर के पोटेंशियल नाल उन्होंने अपनी एलएलबी की थी। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे ताया जी जो सन माय एल्डर अंकल उन्होंने एफआरसीएस की थी 47 तो पहले, तो इट वाज अ वेरी कमेंडेबल वर्क। उस वेले इन्होंने दोनों भरावान उन्होंने मतलब मीरपुर बड़ा रिस्पेक्ट मिली उस टाइम सारियां नूं इन्हां दी वजह नाल, दोनों की वजह नाल। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕਰਦੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਪਰਸਨ ਪਰ ਵੈਰੀ ਥੋਟਫੁਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਰ ਲੈਜੈਂਡ ਇਨ ਦੈਮ ਸੈਂਸ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਔਰ ਇੱਕ अपने काम में बड़े माहिर सर पर बोलते घट सर ने, इस वजह से खास बनता है कि एक ऐसी शख्सियत जो अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए माने जाते थे, और उनके साथ मुझे याद है जम्मू में तीन चार सेशन जजेस थी जिनकी बहुत बात होती थी। एक दुर्गा सिंह थे जो इनकी तरह ये भी पैदल ही आते थे, मैंने सुना है। कल मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा आपको, मुझे कहा गया है कि उसमें नाम नहीं यूज करेंगे। हमारे डी आर खजूरिया एक बहुत पुराने वकील है, 86 तो मैंने सोचा कि लाइफ डिस्क्रिप्शन तो पढ़ाई नहीं, कोई रेणु जी पढ़ेगी या उनके पुत्री पढ़ेगी। मेरा बड़ी ध्यान थे तो मैं उन्हें पूछा कि इन बारे में उनका खास कर रहा है। मोदी यार तो लगता है कुछ है, पर आई डोंट नो कुछ है ना है। तो कुछ
थले शेयर करिए, मैं मुझे दिखना नहीं है कि उनको नहीं ये खर्चा रोली है कि अगर मैं उसे नमस्ते करा मिला सोशलाइज करा ते कोई सिफारिश कर दे. Such was the level of integrity. It has to be remembered and cherished. उन्हें आखिर एक केस आ, he was presiding at the session. उन्हें जे एक जड़ी पार्टी ही, जिधे जे एक खिलाड़ी साहब है, और दूसरी बदली पार्टी जड़ी ही हो, उसे सिटिंग का एक गुड जा. तुम्हारा सबने दा बड़ा बड़ा शुक्रिया. उसे बड़े प्यार करने आज दी श्रद्धांजलि ची हिस्सा लिया और बड़े पेशेंस करने सारी दी काम सुनी. मैं लास्ट होकर तुम्हारा सारा शुक्रिया करिए, प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया करिए. इससे प्रार्थना करना कि जल्द ये एक लाइव रिफ्रेशमेंट है, चाय या कॉफी का नाम दिया. थैंक यू.